नमस्कार, हमें रोहित रवा देखते मैच बॉक्स। रवा, जैसे कि पता बा कि मैच बॉक्स हमेशा कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जागरूक वीडियो लेके आए ले। आज हम जो वीडियो लेके आए बानी कि डेंगू से कैसे बच बचाव करे के चाहिए, कैसे कि हमसे के लापरवाही के चलते हमसे के डेंगू हो जाता टे और हल्का बुखार होता टे ओकरा के नज़रअंदाज करते नहीं सन, और उहे जो प्रकोप रहता धीरे धीरे बढ़ते जाता टे और जानलेवा तक पहुँच जाता टे। एक विशेष संबंध में हम जानकारी लेवे खातिर आएल बनी, हमारे साथ मौजूद बनी जनता जनार्दन क्लिनिक के डॉक्टर जनार्दन सिंह जी। अक्सर वह मैच बॉक्स पर यहाँ के देखत हो के और काफ़ी अनुभवी भी डॉक्टर रही और हर एक बीमारी से रिलेटेड यहाँ के जानकारी भी बाटे और काफ़ी सुंदर एगो जनरल फिजिशियन भी है दरादा में बैठे नहीं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले रोहित जी रुआ चैनल के मैच बॉक्स के हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहते नहीं, आई भी धन्यवाद हमरा तरफ से बा कि मैंने समाज के लिए कोनो न कोनो मुद्दा पर मैंने रुआ वीडियो बना के समाज में प्रचार करते नहीं, बहुत सराहनीय बात बा। राउर डेंगू के विषय में जाने के चाहते नहीं, तो देखी डेंगू बीमारी जौन बा लोग कोनो चीज़ सुन के हदास हो जाला, घबरा जाला, लेकिन बहुत बड़का कोनो बीमारी ना हा। अब हमरा सबसे पहले ये बतावे के बा कि डेंगू हो का चीज़, डेंगू काहे मान लेते कि हो जाता चाहे काहे हो जाला, एकर कारण कुछ बा। सबसे पहले इमें ये बात बा कि डेंगू नाम के जवन मच्छर होखेला सन ओकनी के एडीज मच्छर नाम से जानल जाला, आ ई मच्छर जौन बा उष्ण कटबंधीय मने एरिया में एकनी के जन्म होखेला। जैसे यो हम बताएं कि उष्ण कटबंधीय हमनी के भारत में कहाँ कहाँ बा, लेकिन पहले एक के जानल जाओ कि मने ई मच्छर हुआ सन का। तो डेंगू मच्छर जौन बा तो डेंगू मच्छर के काटला से आदमी के डेंगू ना होखेला, लेकिन डेंगू मच्छर अगर केहू डेंगू बीमारी से ग्रसित बा आ ओकरा के काटता ओकर खून चूसता तो उ डेंगू संक्रमित हो गए डेंगू से। आ उ संक्रमित जौन मच्छर बा एडिट उ अगर मान लेता नहीं कि हमरा के चाहे केहू के अगर काटता तब मान लेता नहीं कि उ डेंगू उ मनुष्य के मने मने फैला देहला से चाहे फैला दिया छा। लेकिन समस्या ये बा कि कौनो अगर मने मच्छर डेंगू वाला काट दे आ उ संक्रमित आदमी के मान लेता नहीं कि ना कटले होके ओकर खून ना चूसले होके तो डेंगू ओकरा कटला से ना होखेला। अब सवाल यहाँ ये बा कि डेंगू मच्छर जौन होखेला एकनी के हई आम मच्छर से थोड़ा सा बड़ा साइज होखेला सन, विषैला भी होखेला सन, लेकिन हमें एगो जाने वाली बात बा कि डेंगू मच्छर जौन होखेला ओकनी के उड़े के जौन शक्ति होखेला एक डेढ़ फीट होखेला। अच्छा, यानी कि मने अगर नीचा से उड़त आ तो ठेहुना तक ले आई तो कभी भी ठेहुना के नीचा ही मने काटेला सन। अच्छा, आ चाहे कोई बाँह लटकौले बा तो बाहों में काट देला सन, लेकिन ठेहुना के ऊपर एक निके। आ इमे एगो आवरी बा कि डेंगू ई मच्छर उष्णकटिबंधीय इलाका में रहला के वजह से ई अक्षरह स्वच्छ मने पानी जवन बावे वही में एकनी के जन्म होखेला, वही में रह के कोशिश करेला सन। आ एकनी के काटे के टाइम होखेला सुबह से लगभग 10-11 बजे ले, फिर 12 बजे के बाद ई मने जहाँ मान लो तनी कि शीतल पेय बा ओमे जाके छुप जाइए सब, फिर ई शाम में कुछ एकनी के प्रकोप होखेला, फिर ई रात में मान लो तनी कि जहाँ पानी वानी मिलल वहाँ जाके फिर छुप गई, फिर सवेरे उठी एकनी के यह प्रकोप बा। लेकिन अब हमनी के समझे के ई बा कि डेंगू हमनी के काहे समझ जाते नहीं सन। जैसे मान लेते नहीं कि केहू के बैक्टीरियल फीवर बा चाहे इन्फेक्शन बा चाहे वायरेबल फीवर बा चाहे इन्फेक्शन बा। अच्छा,
तो डेंगू कटला के बाद जैसे मान लेते हैं कि डॉक्टर लोग सीबीसी करावेला चाहे प्लेटलेट करावेला तो प्लेटलेट में माने कमी आ जाला। तो प्लेटलेट कमी आ गईला के बाद लोग माने यानी कि डॉक्टर मरीज से कहला कि तहार प्लेटलेट कम हो गई बा, तारा डेंगू हो गई बा, चाहे हो जाए तारा हई खर्चा बा, हो खर्चा बा, चाहे मान लेते हैं कि तारा एडमिट होके के बा। लेकिन हमार कहा नाम बा कि अगर केहू के प्लेटलेट कम हो गई तो वो डेंगू ना हो। पहले मान लेते हैं कि डेंगू हो का चीज शरीर में एकर कौन वर्क बा कि माने एकरा कमी हो गईला के वजह से मान लेते हैं कि डॉक्टर लो चाहे मरीज लो डरा जला कि हमरा डेंगू हो गई बा। लेकिन अब सवाल एगो यहाँ आ रहा बा कि डेंगू के माने काटला से ही प्लेटलेट नीचे ना गिरेला, एकर औरियो बीमारी बा जैसे मान लेते हैं कि वायरेबल फीवर बा, चाहे बैक्टीरियल फीवर बा, चाहे टाइफाइड बा, मलेरिया बा, चाहे मान लेते हैं कि कोनो प्रकार से क्योंकि चोट वोट लग गई, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, चाहे महिला वहिला के मैंने कोनो कारण से ब्लीडिंग हो गई, जौना के थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहल जाला। अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के मतलब हो खेला कि वो मरीज के देह में खून बहुत कम हो गई। अच्छा, जौना के वजह से उमे भी प्लेटलेट कम हो जाला। तो प्लेटलेट कम हो गई बा तो डेंगू नहीं है, आ प्लेटलेट कम हो जाए तो माने एकदम मान लेते नहीं कि रोगी के तनि भी महसूस होखबे करी। तो देखी प्लेटलेट हमनी के माने उ रक्त हवे जौन कि माने रक्त के माने ठाका बनावे के काम करेला, रोके के काम करेला। जैसे एगो हम उदाहरण देते नहीं कि हमने के लड़काई में सुनले बानी सन, चाहे अभियो सुन सन कि नारायणी के पुल टूट जाए नु तो बाढ़ आ जाए। अच्छा, चाहे कोनो माने नदी नाला अगर बांध बांधल बा, उछा छा गए, कमजोर हो गए तो माने पानी बहे लागल, तो वही लेखन प्लेटलेट जौन बा माने मच्छर के काटला से चाहे कोनो बीमारी के वजह से अगर एकर मात्रा कम हो जाला तो ये माने ब्लड के रोके के एकर कैपेसिटी, एकर माने एस्टिमिना कमजोर हो जाला, जावना के वजह से मान लेते हैं कि पैखाना के रास्ता से माने ब्लड आ गई, चाहे कोनो शरीर के अंग से, मुरी से, दांत से, मसूरा से, पेशाब के रास्ता से, माने कोनो भी रास्ता से ब्लीडिंग माने आई तो रुकी ना, ऐसे कि प्लेटलेट कम हो गई बा, ओकरा के माने क्लॉटिंग करे के माने क्षमता माने कम हो गई बा। तो प्लेटलेट खाली कम हो गईला के वजह से हम ओकरा के डेंगू नहीं साबित कर सकत, चाहे केहू डॉक्टर के बहकावे में मरीज के ना आवे के चाहिए। अब रह गई बात कि डेंगू हम कैसे समझम कि ये डेंगू हवे, तो एकर हम कुछ जब जेकर सीबीसी हम करौनी आ ओमे प्लेटलेट अगर कम हो गई तो सबसे पहले हमारा डेंगू में NS1 NS2 के जांच अगर करावल जाता, चेक करावे के चाहिए। अच्छा, तो अगर NS1 पॉजिटिव मिलता आ NS2 भी पॉजिटिव मिलता तो ऊ डेंगू बा। आ उ स्थिति जब उ पॉजिटिव आ जाए तो रोगी एकदम मान लेते हैं कि काफ़ी तेज बुखार से ग्रसित हो जाए, ओकरा बदन में काफ़ी दर्द हो जाए, ओकरा सर में दर्द हो जाए, ओकरा उल्टी में खून आवे लगी, नाक से खून आवे लगी। अच्छा, लेकिन ऐसे खाली केहू के प्लेटलेट कम हो गई तो वो डेंगू हम ओकरा के नहीं ही मान सकत। अच्छा, अब एमे एगो नायका में जांच हमने के करावत नहीं सन, चाहे बड़े हॉस्पिटल में होता, जौना के मान लेते नहीं कि इलिसा फॉर डेंगू कहल जाला। अच्छा, तो में IgM IgG माने तो मान लेते नहीं कि जेकर IgG पॉजिटिव मिलता तो माने बड़े बड़े हॉस्पिटल में इहो कह के दरवा दिहल जाला कि भाई IgG तार पॉजिटिव हो गया, तारा डेंगू हो गया, जल्दी से ना एडमिट हो जाए। लेकिन ना,
आईजीजी अगर पॉजिटिव हो गई बा तो एंटीबॉडी के बतावता कि कब इनका मने डेंगू भइल हो, जैसे मान लेते हैं कि क्योंकि टीबी भइल बा तो एक सारा में 10 साल के बादो अगर मने देखल जला तो ओकर दगवा होखेला, चाहे मने कहीं कट गई बा तो मान लेते हैं कि घाव ठीक हो गए लेकिन कट के निशान बा, वही लेखन मने इलिसा फॉर मने डेंगू अगर करावल जाता वो में IgM चाहे IgG अगर पॉजिटिव मिलता तो उसे घबराए के नहीं कि वो डेंगू ना हा, वो मने कबो भइल बा ओकर मने वो संकेत मने हमरा ख्याल से मने हमरा यह मने अनुभव मिलल बा, यह पढ़ल बन तो हमरा मिलल बा। तो अब रह गए कि डेंगू में मने चार गो प्रकार होखेला, अच्छा DEN V1 DEN V2 DEN V3 और DEN V4 ये चार प्रकार के होखेला, अच्छा एक टाइप भी होखेला, तो टाइप में तीन प्रकार के होखेला, एगो जनरल होखेला, एगो हेमरेजिक होखेला आ एगो शॉक होखेला। तो हेम जनरल जौन बावे माने साधारण जौन बुखार वखार बा उ तो खैर कोनो बात नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन जौन हेमरेजिक हो गई चाहे शॉक में बदल गई, वो मरीज के वाकई में डेंगू भइल बा आ वो मरीज के कोई भी डॉक्टर के बचावल माने बड़ा माने भगवाने बचावेलन, प्लेटलेट चढ़ावे के पड़ जला चाहे ना, तो उहे मने एमे खतरनाक चीज है, ठीक बा। अब रह गए कि एमे जवन अगर NS1 भी अगर पॉजिटिव बा ओहू में मरीज के हमरा घबराए के नहीं है, अच्छा डॉक्टर के घबराए, लेकिन NS2 अगर पॉजिटिव हो जाता तो ओमे निश्चित बा कि मने शॉक में चल जा सकता, चाहे हेमरेजिक माने हेमरेजिक का मतलब है कि कहीं से शरीर से ब्लड निकले लगी, अच्छा तो डेंगू के माने यह सब लक्षण बा, अच्छा अब डेंगू से हमने के बचे खातिर ई करे के बा कि मान लेते हैं कि घर में जेकरा फ्रिज बा कूलर बा चाहे नाला नली जहाँ बा वही पानी लागल बा तो मच्छर के प्रकोप फोकबे करी, तो फ्रिज कूलर बा तो मान लेते हैं कि रोज ना तो कम से कम 2-4 दिन पर ओकरा के पानी बदली साफ सफाई करी, अच्छा मच्छरदानी लगा के सूती, मान लेते हैं कि जौन बाजार में बिके वाला गुड नाइट बा चाहे कुल लिक्विड बा मच्छर के भगावे का एकर प्रयोग करे के चाहिए, अच्छा अब जेकरा हो गइल बा ओकरा के मने ठीक करे खातिर एकर मान लेते हैं कि ट्रीटमेंट जहाँ माने कोई जाता डॉक्टर के लगे तो किंगन करे के बा का करे के बा वो डॉक्टर पर निर्भर बा, अच्छा तो डॉक्टर पर मान जैसे रोगे कोनो क्वेश्चन करते हैं कि एकर बचाव का बा तो हम ओकरा के मान लेते हैं कि रोगा बचाव के विषय में बता दे हैं, अब ये मैं कैसे कैसे अगर हो गई बा तो किकरा का खाए के चाहिए ये चीज़ अब हम बतावे के चाहते नहीं, तो अगर माने क्योंकि डेंगू हो गई बा तो दवाई उवाई के साथ है जैसे पपीता के पतन के जूस बना के पी के भी इमें फायदा करेला, नारियल के पानी फायदा करेला, अच्छा ये सब मैंने जरा भइल बा ओकरा खातिर मैंने जरूरी बा, अच्छा आ सबसे सबसे जरूरी बा कि मैंने भाई हाँ एगो में बहुत चीज छूटत है कि ये मैंने संक्रमित बीमारी ना है, जैसे मान लेते हैं कि रुआ डेंगू भइल बा रुआ लगे हम बैठल बानी तो हमरा में वो डेंगू ना आए, रावरा के वो मच्छर जौन एडिज मच्छर होखेल सन यानी कि हाँ वो मैंने काटत है लेकिन डेंगू से अगर ग्रसित बा तब बे। देखिए कैसे हम सब जननी ऐसा कि डेंगू से कैसे बच बचाव करे के चाहिए, काशी की अगर रुआ सही जानकारी रही सही डॉक्टर के पास अगर जातनी अगर सही डॉक्टर जांच करताटे और सही डॉक्टर मेडिसिन देताटे तो कहीं ना कहीं रहा और जन बीमारी बा ए पर काबू पावल जा सकताटे, लेकिन वह गांव में अगर झोरा छाप डॉक्टर के पास जाएँ अगर उका से छोट मोट दवा खाएँ तो कहीं ना कहीं रहा उसे और भी प्रभावित होकर और आए वाला दिन में ये समस्या उत्पन्न हो जाए। बरहाल जन डॉक्टर साहब बानी दुरावधा में बैठे नहीं यहाँ के जनता जनार्दन क्लिनिक हटे NH जन बाटे सीधे जन छपरा के तरफ जाला।
ठीक दुरादा एनएच के बगल में मौजूद बटे ए जी आके रहुआ सही तौर पर ए जी रहुआ जानकारी भी ले सकत हैं, ट्रीटमेंट भी करा सकत हैं, यहाँ के जनरल फिजिशियन भी और हर एक चीज के जानकारी यहाँ के काफ़ी बेहतर बटे, कैसे कि डॉक्टर के जानकारी से ही जन मरीज बारे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होले और वही से आधा बीमारी तो वही से दूर हो जाए। लेकिन देखा जाए कि बड़न बड़न डॉक्टर के पास जाए नहीं सन और वो डॉक्टर ऐसा बता दिला कि हम सब हदास हो जाए नहीं सन और वह बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाला। बहरहाल ये वीडियो को शेयर करी कैसे कि जानकारी वाला वीडियो रवा खातिर लावल जाता है। तब तक रहो देखा मैच बॉक्स।